आज का द हिंदू डिस्कशन हम स्टार्ट हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के बीच में डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे कि हम कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात जान लीजिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो टोटल इन्फ्लेशन दिखाता है किसी भी इकॉनमी में। आप जैसा कि जानते हैं, डे टू डे हमारी इकॉनमी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये एक्टिविटीज़ में फूड वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, फूड होते हैं और फ्यूल होता है। तो ये इन फूड और फ्यूल के प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो ये वोलेटिलिटी जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्लूड होती है, इसीलिए से टोटल इन्फ्लेशन ऑफ इकॉनमी कहा जाता है। जबकि आप कोर इन्फ्लेशन देखेंगे तो कोर इन्फ्लेशन में जो फूड और एनर्जी के प्राइजेस होते हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाता है। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर हम वोलाटाइल जो कमोडिटीज़ हैं उनको अगर माइनस कर दें तो कोर इन्फ्लेशन आ जाएगी। आप एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी कंट्री की कोर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसका इम्पॉर्टेंट होने के पीछे ये रीज़न होता है क्योंकि RBI और जो गवर्नमेंट है बहुत सारी फिस्कल पॉलिसी इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि डे टू डे जो वोलेटिलिटी होती है किसी इकॉनमी में वो इंक्लूड नहीं की जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर कहा गया है जो परसेंटेज चेंज है होलसेल प्राइस इंडेक्स में उसके आधार पर हम ईयर ऑन ईयर इंडिकेट करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या कैसे वर्क करेगी। मगर कई जगह आप देखेंगे, मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देखा है, इसमें CPI को लिया जाता है। तो यहाँ पर WPI और CPI में कन्फ्यूज़न है कि कौन से इंडिकेटर को कंपेयर करने के लिए लिया जाता है। आप देखिए, WPI इज़ यूज्ड एज अ मेज़र और इंडिकेट हेडलाइन इन्फ्लेशन, और इसके आगे लिखा है कि बल्क सेल ऑफ कमोडिटी इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो फर्स्ट स्टेज में बल्क सेल जो क्या कहते हैं सेल होती है, डिस्ट्रीब्यूस होती है, तो उसमें WPI का होता है बल्क में। मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बल्क में आती है, कोई मान लो मंडी में टमाटर आए, बहुत ज़्यादा बल्क में आए, फर्स्ट टाइम आए, तो फर्स्ट स्टेज पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कह रहे हैं यहाँ पर लिया जाता है। मगर मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, मैंने कई गवर्नमेंट की साइट्स पर देखा है कई जगह पर CPI का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर WPI और CPI का कन्फ्यूज़न है। अब आप हम देख लेते हैं कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन नो एक्सक्लूजन मेजर ऑफ कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया। ठीक है, मतलब कोई भी किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है, बस क्या करता है कि RBI प्रीफर करता है नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन को टू मेजर इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब कोर इन्फ्लेशन में RBI क्या करता है, नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को यूज़ करता है। जैसे नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग चीज़ में एनर्जी भी इन्होंने इंक्लूड किया। आप यहाँ पर फूड और एनर्जी को मत भूलना, जब कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है तो उसमें फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। अब ये इम्पॉर्टेंस क्या है, इसमें शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट होता है इकॉनमी में उसको मेज़र किया जाता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को मेज़र किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ें हम कोर इन्फ्लेशन से देखते हैं। मगर मैंने आपको जैसे बताया है, कोई भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी और बहुत सारी फिस्कल पॉलिसी, वो उसका पता हमें कोर इन्फ्लेशन से चलता है। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन का हम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इम्पैक्ट देख लिया हमने उसका पॉलिसी। अब यूज़फुल है ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, और ये शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच में डिफरेंस देखा। मेन डिफरेंस जो है वो इसकी डेफिनीशन में ही है। आप इतनी चीज़ तो ज़रूर याद रखिएगा कि डेफिनेशन में कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी प्रोडक्ट नहीं यूज होते हैं, जबकि आप हेडलाइन इन्फ्लेशन में देखेंगे तो को जो फूड और एनर्जी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिखाती है, जबकि कोर इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली जापान ने डिसाइडेड किया है, जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं
पानी 500 ओलंपिक स्विमिंग पूल, आप यहाँ देखिए मोर देन 500 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स वर्थ ऑफ वाटर जो उसमें अटका हुआ है उसको ये पैसिफिक ओशियन में रिलीज करने को कह रहे हैं। आप एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फुकुशिमा क्राइसिस है क्या? देखिए फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था ये मैसिव अर्थक्वेक आया था 2011 में जिसमें अप्रॉक्स 18,000 लोग मरे थे। तो यहाँ पर ये स्टक हो गया था और यहाँ पर स्टक होने की वजह से बहुत सारा रेडिएशन रिलीज हुआ था। इस रेडिएशन को मिनिमाइज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए अभी तक फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर स्टेशन को बंद करके रखा गया था। उसका पानी जैसा था ज्यों के त्यों छोड़ दिया गया था। मगर रिसेंटली 2023 की ये रिपोर्ट है कि जापान ने कहा है कि हम इसको धीरे धीरे पैसिफिक ओशियन में रिलीज़ करेंगे। तो इससे चाइना और अदर कंट्री ने बहुत सारे जापानीज प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। आप ये देखो यहाँ आप देख सकते हैं चाइना ने क्या किया है, हाल्ट कर दिया है जापानीज़ फूड शिपमेंट को। ठीक है, बहुत सारे जापानीज़ फूड शिपमेंट को हाल्ट कर दिया है, मरीन प्रोडक्ट को हाल्ट कर दिया है इसके कांगो के द्वारा, हांगकांग के द्वारा और मकाओ के द्वारा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने की, मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फुकुशिमा क्राइसिस क्या था और इसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 2011 में ये फुकुशिमा क्राइसिस हुआ था सुनामी के कारण और अर्थक्वेक के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाटर सबमर्ज हो गया। तो उस वाटर को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है और उसको अब रिलीज़ करने के पीछे कंट्रोवर्सी हो रही। कंट्रोवर्सी होने का रीज़न है रेडियो एक्टिव रिएक्टर। क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्टर जो होता है इसकी रेडिएशन ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाती है और धीरे धीरे ओशियन में जाती रहती। इससे हमारी ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट जो सी प्रोड्यूस करता है उसको यूज़ करते हैं। तो ये थी बात। यहाँ पर जापान की हम लोकेशन देख लेते हैं इन कंपेरिजन टू इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जापान की लोकेशन काफ़ी ऊंचाई पर है। तो इससे एक अंदाज़ा हमें यहाँ से लग गया कि कभी भी अगर जापान के बारे में पूछेगा तो हमें हमेशा याद रहेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से काफ़ी ऊंचाई पर जापान है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे जापान में कितने प्रोविंस हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जापान में 4 प्रोविंस हैं, होकाइडो, हुंसू, शिकोकू और क्यूशू। ये 4 प्रोविंस हैं। जापान का बॉर्डर देखो, सी ऑफ ओक्टोस से मिलता है, ऊपर रसिया है जापान के, नीचे फिलीपींस है और वेस्ट में इसके साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है और इसके ईस्ट में पैसिफिक सी है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेटेड है। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि बहुत सारे लोगों ने सिटीजनशिप को जो है छोड़ दिया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है कि लाइव मिंट की, मगर इसको इम्पॉर्टेंस और अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 2.25 लाख पीपल ने इंडिया की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया है 2022 में। ठीक है, 2020 के बाद से ये सबसे ज़्यादा लोगों ने सिटीजनशिप रिनाउंस की है। आपको मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, कोई भी आर्टिकल हमारे द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा। बस ये है, कभी कोई आर्टिकल किसी न्यूज़ में जल्दी आ जाता है, किसी न्यूज़ में लेट आता है, तो हम सारे आर्टिकल कवर करेंगे। आप ये मत सोचिए उस चैनल ने ये कवर किया है, हमने ये कवर नहीं किया। हम डे टू डे जो आर्टिकल हमारे छूट जाते हैं या जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में लेट आते हैं, प्रीमियम सेक्शन में एक्सप्लेंड होकर आते हैं लाइव मिंट के, तो हम उसको बाद को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़, मतलब ये हमारा कंटेक्स्ट था। तो हम डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या कह रहा है कि इस डिकेड में 15 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को गिव अप किया है और मैक्सिमम लोग जो है यूएसए में रहना प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो इंडिया को इस टाइम बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं। उसका उन्होंने एग्जांपल दिया, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन इसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका वन ऑफ द रीज़न आपको मैं बता देता हूँ, टैक्स। टैक्स इंडिया में 1 करोड़ पर 30% करीब लगता है, मतलब 30 लाख लोगों को टैक्स देना पड़ता है 1 करोड़ को पर। इसीलिए बहुत सारे इंडियंस और जो कैपिटलिस्ट हैं वो इंडिया को बहुत तेज़ी से छोड़ रहे हैं। मोस्ट प्रीफर डेस्टिनेशन यूएसए है, फिर यूएसए के बाद कनाडा है,
देन ऑस्ट्रेलिया है, देन यूके है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे देख लेते हैं हम सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज होता है। देखो सिटीजनशिप की आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए, कोई भी अगर आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। जब भी मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप उसकी डेफिनेशन की तरफ देखना, खुद ब खुद माइंड आपका भागेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड या कोई भी आर्टिकल है उसकी डेफिनेशन हमको देखना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ये लीगल एंड सोशल रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट। मतलब ये एक रिलेशनशिप है जो लीगलिटी दिखाता है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, और इसमें सिटीजन, इस सिटीजन को फुल मेंबरशिप मिलती है और उसकी एलिजियंस होती है स्टेट के प्रति, ठीक है। दो तरह की सिटीजन्स होते हैं, एलियन सिटीजन और जो, मतलब दो तरह के इंडिया में सिटीजन को डिफाइन किया गया है, सिटीजन होते हैं एक एलियन होते हैं। एलियन जो होते हैं अदर कंट्री वालों को कहा जाता है, और सिटीजन जो इंडिया के निवासी होते हैं उन्हें कहा जाता है। जो हमारे इंडियन सिटीजन होते हैं वो फुल एंजॉय करते हैं ऑल सिविल और पॉलिटिकल राइट को, ठीक है। एक चीज़ यहाँ जानना ज़रूरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, शुड बी नोटेड, पॉइंट शुड बी नोटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को नहीं डिफाइंड किया गया है, पार्लियामेंट के बहुत सारे एक्ट से, बहुत सारे चीज़ों से, अदर चीज़ों से, कन्वेंशन से डिफाइन होता है कि सिटीजनशिप कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब आगे हम इसको पढ़ लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप क्रिएटेड एन एक्सक्लूजनरी डिस्टिंक्शन फ्रॉम नॉन सिटीजन्स। मतलब नॉन सिटीजन्स में और सिटीजन्स में कैसे डिफरेंस आता है हमने यहाँ देख ही लिया कि सिविल और जो पॉलिटिकल राइट होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं बहुत सारे केसेस में नॉन सिटीजन्स को, ठीक है। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है 5 वे प्रोवाइड करता है एक्वायरिंग सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 5 वेज प्रोवाइड करता है किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए, और ख़ास तौर से यहाँ इंडिया की बात हो रही। बर्थ से आपको इंडिया में सिटीजनशिप मिल सकती है, डिसेंट से सिटीजनशिप मिल सकती है, मतलब आपके पूर्वज यहाँ रहते हों, रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको कुछ ईयर की कंडीशन लगाकर, कुछ क्रिमिनल चार्जेस ना हो, कुछ प्रोसीजर फॉलो करके आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकती है, आप बहुत सालों से इंडिया में रह रहे हैं तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई टेरिटरी इंडिया में मिला ली गई तो आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। इस केस में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप देखना, जिसमें रिसेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी दे दी थी और वहाँ बांग्लादेश से कुछ टेरिटरी इंडिया ने ले ली थी। तो इस केस में इंडिया ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी करी, तो जो भी लोग इंडिया में आए होंगे उनको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल गई होगी। दैट्स इम्पॉर्टेंट विद एग्जाम्पल फॉर मेन पर्पजेज, मेन्स पर्पजेज। अब इस सिटीजनशिप के प्रिंसिपल दो होते हैं, एक सिटीजनशिप होती है जुस्सूली। जुस्सूली में क्या होती है, आपको प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप मिलती है, और एक होती है जुस सेंग्विनिस जिसमें ब्लड टाइज को होती है। तो जब मोतीलाल नेहरू की कमेटी बनी थी 1928 में, तो उन्होंने रेशियल जो बेस पर है जुस सेंग्विनिस इसको कंट्राडिक्ट किया और इसको रिमूव किया, जबकि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जुस्सूली को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से, क्या कहते हैं, कौन से प्रिंसिपल बेस्ड पर जो सिटीजनशिप दी जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर जानने की है। देखिए डिफरेंट वे देख लेते हैं हम, रिनाउंसिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब जो बहुत सारे वेज हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है वॉलेंट्री रिनंसिएशन। क्या होता है, बहुत सारे लोग वॉलेंट्री छोड़ देते हैं सिटीजनशिप, उस केस में क्या होता है, माइनर की भी सिटीजनशिप चली जाती है। मगर जब माइनर 18 साल का हो जाता है तो वो सिटीजनशिप रिगेन कर सकता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड बी नोटेड दिस, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटेड टू टर्मिनेशन, क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट जो है सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करती है। अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो हमारे इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, ठीक है।
आप यहाँ देख सकते हैं, और डेप्रिवेशन बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपने आप ही टर्मिनेट कर सकती है किसी की सिटीजनशिप अगर वो डिसरेप्ट रिस्पेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, एक्वायर कर लेता है थ्रू फ्रॉड के, इलीगली ट्रेड करता है, सॉरी कम्युनिकेट करता है इंडियन एनिमी को ड्यूरिंग द वार, ठीक है, और 2 ईयर की सज़ा उसे मिलती है विद इन 5 ईयर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। मतलब किसी ने रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप पाने की कोशिश की है और जो बहुत सालों से इंडिया में रह रहा है तो उसने ऑटोमेटिकली नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप पाई है, अगर उसे 2 साल की सज़ा हो जाती है कोई क्रिमिनल केसेस में। इसमें कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है ये 2 साल की सज़ा सही है या नहीं है, तो ठीक है तो उसकी सिटीजनशिप जाती रहेगी, ठीक है। लिव्स आउटसाइड द इंडिया 7 consecutive years, अगर वो लगातार 7 साल तक इंडिया में से बाहर रहता है और इंडिया में आता भी नहीं है और बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर नहीं करता है तब भी इंडिया की सिटीजनशिप जाती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर यह चीज़ देखने की ज़रूरत है कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया में कोई इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है, जबकि यही चीज़ अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ पर नेचुरलाइजेशन के थ्रू कोई भी आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इट्स इम्पॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट, क्या इंडिया में प्रेसिडेंट बन सकता है नेचुरलाइजेशन के थ्रू, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं, सिटीजनशिप के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या हैं। सिटीजनशिप जो है वो लिस्टेड है यूनियन लिस्ट में, जो पार्ट 2 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप की बात की गई है। इसमें एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है पार्लियामेंट के पास। आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, जो NRC का कॉन्सेप्ट आया, जो इमर्ज हुआ 1951 के बाद, सेकेंड टाइम 2014 के बाद दोबारा से इमर्ज हुआ, तो ये रीज़न था कि इसकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन जो है वो पार्लियामेंट के पास है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है और ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड यूज़ नहीं हुआ, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने पार्ट डिस्कस ही कर लिया, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म ऑफ सिटीजन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन ही नहीं किया है सिटीजनशिप क्या चीज़ होती है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो January 26, 1950 में इन्फोर्स में आए, मगर सिटीजनशिप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, दो 26 नवंबर 1949 में इन्फोर्स में आ गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अदर चीज़ जान लेते हैं, जैसा कि हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप कैसे एडॉप्ट की जाएगी, कैसे रिनंस की जाएगी, इसके बारे में बताया गया, तो ये आर्टिकल बताए हैं। 5 में क्या बताया गया है, इट प्रोवाइड फॉर सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो किस बेस पर सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो आपके पास डोमिसाइल या फिर इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, आपका कोई भी पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुआ है तब भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, इवन दोज हु वर डोमिसाइल बट नॉट बॉर्न इन इंडिया, जो इंडिया के पास डोमिसाइल है और अगर इंडिया में बॉर्न भी नहीं हुए हैं तब भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये देखो ये आर्टिकल टफ होते हैं याद करना, ये एक बार में आपको याद नहीं होंगे, मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, ये बात हो रही है जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान से, तो जब पार्टीशन के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे मगर उनके पास डोमिसाइल था और वो इंडिया में बॉर्न नहीं हुए थे, ठीक है, तो उस बेस पे भी सिटीजनशिप मिली, ठीक है। अब इन्होंने देखो बहुत सारे रिलैक्स प्रोविज़न थे क्योंकि लोग आ रहे थे जा रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे जा रहे थे, तो इस बेसिस पे क्या किया गया था, ऐसे प्रोविज़न रखे गए थे ताकि लोग जो है इंडिया की सिटीजनशिप ईजिली एक्वायर कर सकें। तो अदर चीज़ आप देख लीजिए कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस फॉर मोर देन 5 ईयर
टू वॉज इंटाइटल टू अप्लाई सिटीजनशिप, मगर अगर कमेंसमेंट हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद आप 5 साल तक रह रहे हैं इंडिया में, तब भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आप डे टू डे उसको सर्च करेंगे, डे टू डे रिविज़न करेंगे, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आप इन्फोर्स मत करना अपने माइंड को कि ये मुझे याद हो ही जाए, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब आर्टिकल सिक्स देख लीजिए, इट प्रोवाइड राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब देखा मैंने आपको, जैसे पहले ही बताया है, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, तब बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, तो ये आर्टिकल सिक्स जो है इस कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। हमने आर्टिकल फाइव देखा किस कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, जब कमेंसमेंट हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आर्टिकल सिक्स के बारे में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जब हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोग इंडिया में आए पाकिस्तान से, तब ये उसकी बात करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखो, वुड ऑटोमेटिकली बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ ईदर हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट वर बॉर्न इन इंडिया। मतलब अगर वो इंडिया में आया है तो उसके, अगर वो कह देता है मेरे ग्रैंड पेरेंट यहाँ बॉर्न हुए थे, या डॉक्यूमेंट शो कर देता है, या कोई ज़मीन शो कर देता है, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, और पेरेंट्स अगर बॉर्न हुए तब सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। बट दोज हु इंटर इंडिया आफ्टर दिस डेट नीडेड टू रजिस्टर देमसेल्फ। मतलब अगर इस डेट के बाद जुलाई 1949 के बाद अगर कोई आया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब किसी ना किसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप लोगों को प्रोवाइड कर रही थी। अब आर्टिकल आप 7 देख लीजिए किससे रिलेटेड। आर्टिकल 7 जो है वो प्रोवाइड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गए, और पाकिस्तान में जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो कन्फ्यूज़न में हो गए, उनका कन्फ्यूज़न हो गया, तो वो क्या हुआ इंडिया में दोबारा से आए, तो जब वो लोग दोबारा से आए तब उनको सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 7 की प्रोवाइड की गई। अब आर्टिकल 8 जो है वो बात करता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड इंडिया। मतलब बहुत सारे हमारे इंडियन जो है बहुत सारे विदेशों में रह रहे हैं, जिनके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट जो कभी भी इंडिया में रहे थे, तो उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी अगर वो कहते हैं हमें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो वो आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब आर्टिकल 9 देख लीजिए, प्रोवाइड दैट इफ़ एनी वॉलेंट्री एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरन स्टेट विल नो लॉन्गर बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 9 में बताया गया है कि आप वॉलेंट्री कोई स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप जाती रहेगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। आगे देखते हैं हम, आगे जो आर्टिकल 10 है। अब इसमें आर्टिकल 10 में क्या गया है, पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 11 एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन ऑल मेंबर रिलेटेड टू इट। मतलब आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनआरसी का आर्टिकल बहुत चर्चा में रहता है, तो इसीलिए आर्टिकल 10 और 11 को आपको ध्यान से पढ़ना है। आर्टिकल 11 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो प्रोविज़न बना सकते हैं एक्विजिशन पर और टर्मिनेशन पर ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मेंबर रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने आज डिस्कस किए, सिटीजनशिप को ब्रॉडली जाना कि कैसे सिटीजनशिप एक्वायर होती है, कैसे टर्मिनेट होती है, कैसे पार्टीशन के बाद इंडिया ने कितने रिलैक्सिंग नॉर्म बनाए थे कि ताकि लोग सिटीजनशिप एक्वायर कर लें। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को